नरकासुर वध। प्रिय भक्तों, जब जब इस धरती को अधर्म ने घेरा है, तब तब श्री हरि विष्णु ने इस धरती पर अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया है। द्वापर युग में प्रभु विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अनेकों राक्षसों और दैत्यों का वध कर उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति दिलाई। उसी द्वापर युग में नरकासुर नाम के एक असुर ने भी जन्म लिया, जिसके अत्याचारों से समस्त संसार भयभीत था। कौन था नरकासुर जिसने संपूर्ण संसार को अपने आतंक से भयभीत किया था और किस प्रकार उसका अंत हुआ, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर नामक एक असुर श्री हरि विष्णु के वराह अवतार और भूदेवी का पुत्र था, इसीलिए उसे भौम कहकर भी पुकारा जाता था। नरकासुर सदैव से एक अत्याचारी और दुराचारी असुर नहीं हुआ करता था, परंतु जब वो अपने मित्र बाणासुर की संगति में आया, तब से उसके विचार और प्रवृत्ति अत्यंत परिवर्तित हो गईं। वो बहुत अहंकारी और अत्याचारी हो गया। वो स्वयं को ही सर्वोपरि सर्वशक्तिमान समझने लगा। वो अहंकार में आकर मनुष्यों पर बहुत अत्याचार करने लगा। जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती, वो वहीं उत्पात मचाना शुरू कर देता। उसने लोगों के घरों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वो जहाँ भी ऋषि मुनियों को यज्ञ करते देखता, वहीं विध्वंस करना शुरू कर देता। सभी मनुष्यों में अपना आतंक फैलाने के पश्चात अब नरकासुर स्वर्ग लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, परंतु वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो देवताओं को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। इसीलिए उसने ब्रह्मदेव से वरदान पाने हेतु उनकी कठोर तपस्या की। नरकासुर सालों तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मदेव भी उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उठो वत्स, कहो तुम्हारा हमारी इतनी कठोर तपस्या करने का क्या उद्देश्य है? प्रणाम ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मांगो वत्स, तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, आप कृपया कर मुझे अमरता का वरदान प्रदान करें। मैं तुम्हें अमरता प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। तुम इसके अतिरिक्त मुझसे कोई और वरदान मांगो, मैं तुम्हें वो वरदान प्रदान करूंगा। ब्रह्मदेव, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल मेरी माता के हाथों ही संभव हो। इसके अतिरिक्त कोई भी मुझे मार ना सके। तथास्तु। नरकासुर को वरदान देकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मदेव से मिले वरदान के कारण नरकासुर और शक्तिशाली हो जाता है और उसे अहंकार हो जाता है कि अब इस समस्त संसार में कोई उसका अंत नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अहंकार में आकर इंद्रदेव से स्वर्ग लोक का अधिपत्य छीनने के लिए स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान के कारण इंद्रदेव नरकासुर के समक्ष कमजोर पड़ने लगे और नरकासुर ने इंद्रदेव को युद्ध में पराजित कर समस्त स्वर्ग लोक पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया और देवमाता अदिति के कानों के अमृत कुंडल भी उनसे छीन लिए। उसके अत्याचार यहीं समाप्त नहीं हुए। उसने 16,000 स्त्रियों का अपहरण कर बलपूर्वक उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। उसने दुष्टता की हर सीमा को लांघ दिया। तब नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव सहायता हेतु प्रभु श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। तब प्रभु श्री हरि ने उन्हें सहायता हेतु श्री कृष्ण की शरण में जाने का आदेश दिया। हे यशोदा नंदन कृष्ण कन्हैया, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। इंद्रदेव,
क्या कारण है जो आप इतने चिंतित प्रतीत हो रहे हैं? हे नारायण, नरकासुर ने दुष्टता की हर सीमा को लांघ दिया है। अब तो केवल आप ही उस दुष्ट असुर से इस संसार की रक्षा कर सकते हैं, इससे पहले कि वो समस्त संसार को ही नष्ट कर दे। इससे पूर्व आप उसका अंत कर दीजिए प्रभु, अन्यथा वह अनर्थ कर देगा। यदि आप यही चाहते हैं तो हम अवश्य उस असुर का वध करेंगे। स्वामी, मैं भी युद्ध भूमि में आपकी संगिनी बनकर आपके साथ चलूंगी। लेकिन प्रिय, आप मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर क्या करेंगी? आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ युद्ध भूमि में चलूंगी। मैं भी एक योद्धा हूँ। मैं युद्ध भूमि में आपकी ढाल बनकर आपके साथ रहूंगी। यदि आपकी यही इच्छा है तो उचित है प्रिय। नरकासुर, युद्ध भूमि में हमारे समक्ष उपस्थित हो। तुमने समस्त देवताओं, मनुष्यों पर अपने अत्याचार की हर सीमा को लांघ दिया है। मेरे समक्ष आओ और युद्ध करो मुझसे। मेरे समक्ष आओ और युद्ध करो मुझसे। जब समस्त देवी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो ये साधारण मानव मेरा क्या बिगाड़ेगा? इसे तो मेरा सेनापति ही मृत्यु के घाट उतार देगा। मूरा, जाओ और अंत कर दो उस अज्ञानी का, जो तीनों लोकों के स्वामी नरकासुर को युद्ध के लिए ललकारने का प्रयास कर रहा है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नरकासुर के आदेश पर उसका सेनापति मूरा श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाता है और श्री कृष्ण के मात्र एक प्रहार से ही उसका शीश उसके धड़ से दूर जा गिरता है। मुरा का वध करने के कारण ही श्री कृष्ण जी को मुरारी भी कहा जाता है। मुरा का वध होने के पश्चात नरकासुर स्वयं युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से युद्ध करने आता है। मेरे सेनापति का वध कर तुम ये मत जानना कि उसकी भांति तुम मुझे भी हानि पहुंचा सकते हो। इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं, कोई ऐसा देवता नहीं जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। तुम तो मात्र एक मनुष्य हो। इसका निर्णय तो युद्ध के पश्चात ही होगा। नरकासुर, शस्त्र उठाओ। इसके पश्चात श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण जिस भी अस्त्र से उस पर प्रहार करते हैं, वो अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण नरकासुर के समक्ष जाते ही विफल हो जाता है। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच काफी देर तक भीषण युद्ध चलता रहता है, परंतु जब उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता तब नरकासुर अपने एक दिव्यास्त्र का आह्वान कर श्री कृष्ण पर उस अस्त्र से प्रहार करता है और श्री कृष्ण उस दिव्यास्त्र के प्रहार से मूर्छित होकर धरा पर गिर जाते हैं। श्री कृष्ण को ऐसी दशा में देखकर देवी सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आकर वो नरकासुर पर अपना दिव्य बाण छोड़ती है, जो सीधा जाकर नरकासुर के हृदय को भेद देता है। बाण लगते ही नरकासुर लड़खड़ाता हुआ धरती पर जा गिरता है। स्वामी, आप कुशल तो है ना? हाँ प्रिय, मैं बिल्कुल कुशल हूँ। मैंने तो मूर्छित होने का स्वांग केवल इसलिए किया ताकि आपके हाथों नरकासुर का वध हो सके। परंतु मेरे हाथों है क्यों स्वामी? क्योंकि नरकासुर को ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया था कि तुम्हारी माता के अतिरिक्त इस संसार में कोई और तुम्हारा वध नहीं कर सकता। भूदेवी नरकासुर की माता है और आप साक्षात भूदेवी का ही अवतार है सत्यभामा। इस कारणवश केवल आप ही नरकासुर का वध कर सकती थी, इसलिए हमने ये लीला रची। जब देवी सत्यभामा को ये ज्ञात होता है कि नरकासुर उनका ही पुत्र था तो उनका हृदय द्रवित हो उठता है। परंतु यदि श्री कृष्ण पूर्व ही सत्यभामा को इस सत्य से परिचित करा देते तो सत्यभामा अपने ही हाथों अपने असुर पुत्र का वध नहीं कर पाती। इस कारण वशी प्रभु श्री कृष्ण को ये लीला रचनी पड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।